सन्ना के बारे में बताऊंगी। सन्ना का अर्थ है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भाव आदि के नाम को सन्ना कहते हैं। उदाहरण, साहिल, किताब, बचपन आदि। सन्ना के कूद 5 भेद है। व्यक्तिवाचक सन्ना, जातिवाचक सन्ना, भाववाचक सन्ना, द्रव्यवाचक सन्ना, समूहवाचक सन्ना। और आगे मेरा सहेली स्वाति बताएगी। व्यक्तिवाचक सन्ना, जिन सन्ना शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, विशेष वस्तु आदि के नाम का पता चले उन्हें व्यक्तिवाचक सन्ना कहते हैं। उदाहरण, जैसे व्यक्ति में श्री नरेंद्र मोदी, स्थान में दिल्ली, वस्तु में रामायण। भाववाचक सन्ना, जिन सन्ना शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थिति का बोध पता चले उन्हें भाववाचक सन्ना कहते हैं। उदाहरण, खिंचाव, थकान, लड़ाई। आगे मेरी सहेली जागृति बताएगी। जातिवाचक सन्ना, जिस सन्ना शब्द से उसके पूरे वर्ग या जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक सन्ना कहते हैं। उदाहरण, प्राणी में शेर, वस्तु में कार, स्थान में देश। और आगे मेरी सहेली रिया बताएगी। द्रव्यवाचक सन्ना, जो सन्ना शब्द किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध करते हैं उन्हें द्रव्यवाचक सन्ना कहते हैं। जैसे उदाहरण, सोने की अंगूठी, दूध, आटा। जो सन्ना शब्द एक ही जाति के व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध करते हैं उन्हें समूहवाचक सन्ना कहते हैं। उदाहरण, चाबियों का गुच्छा, कूड़े का ढेर, भीड़ आदि। धन्यवाद।